गुड मॉर्निंग टू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स फ्रॉम द एक्सरसाइज 8.7 मेजरमेंट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द फर्स्ट थ्री क्वेश्चंस. टुडे वी विल डिस्कस द अदर क्वेश्चंस. सो द क्वेश्चन नंबर फोर्थ है बेटा. दीज आर ऑल्सो वर्ड प्रॉब्लम. क्वेश्चन फोर्थ, द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन फोर्थ इज आ बिल्डिंग कंपनी purchased 195 किलोग्राम 505 ग्राम ऑफ सीमेंट. अ बिल्डिंग कंपनी की कंपनी है जो बिल्डिंग बनाने वाला मटेरियल रखती है, तो उसने क्या किया, अ बिल्डिंग कंपनी की जो बिल्डिंग बना रही है purchased 195 किलोग्राम 505 ग्राम ऑफ सीमेंट. इतनी सीमेंट उसने क्या की, परचेज की. एंड यूज्ड 87 किलोग्राम 347 ग्राम ऑफ सीमेंट इन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग. और उसमें से जो उसने सीमेंट परचेज की थी टोटल जो 195 किलोग्राम 505 ग्राम, उसमें से 87 किलोग्राम और 347 ग्राम जो सीमेंट है वो उसने यूज़ कर ली. किसमें यूज़ की, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग को बनाने में. व्हाट अमाउंट ऑफ सीमेंट इज लेफ्ट विद द कंपनी, कि जो अब कंपनी है, कंपनी के पास अब कितनी सीमेंट बची हुई है. क्या गिवन है स्टेटमेंट में हमें, एक बिल्डिंग कंपनी है जो बिल्डिंग बनाने के लिए जो क्या है मटेरियल परचेज करती है. क्या परचेज करती है, वो सीमेंट परचेज करती है. अब उस सीमेंट में से उसने कुछ सीमेंट सम पार्ट्स यूज़ कर लिया. किसमें, कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग को बनाने में. और हमें क्या फाइंड आउट करना है कि हाउ मच सीमेंट इज लेफ्ट, कितनी सीमेंट बची हुई है. ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू, अगर हमें लेफ्ट बताना है, जहाँ पे भी लेफ्ट वर्ड आता है तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं. फॉर एग्जांपल, यू आर हैविंग द 25 रुपीज़, आपके पास 25 रुपीज़ है. अब उनमें से आपने 25 रुपीज़ में से अगर आप 12 रुपीज़ यूज़ कर लेते हो टू परचेज एनीथिंग, तो हाउ मच अमाउंट इज लेफ्ट. अब आप 25 रुपीज़ आपके पास थे, 12 रुपीज़ आपने क्या किए, यूज़ कर लिए. हाउ मच इज़ लेफ्ट, सब्ट्रैक्शन करने से पता चलेगा ना कि 13 रुपीज़ आर लेफ्ट. सो इन द सेम वे हमें ये क्वेश्चन करना है. क्या है क्वेश्चन में, अ बिल्डिंग कंपनी परचेज्ड 195 किलोग्राम 505 ग्राम ऑफ सीमेंट. तो स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे हम, बिल्डिंग कंपनी परचेज्ड सीमेंट, या टोटल सीमेंट परचेज्ड बाय कंपनी. ओके, या टोटल सीमेंट परचेज्ड, हम ओनली इतना भी लिख सकते हैं. सॉल्यूशन, कौन सा क्वेश्चन नंबर हमारा, फोर्थ. टोटल सीमेंट परचेज टोटल सीमेंट कितनी परचेज की है, किलोग्राम में और ग्राम में है. एंड हाउ मच किलोग्राम, 195 किलोग्राम एंड 505 ग्राम. सीमेंट यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग, या सीमेंट यूज्ड. How much cement is used? 87 kilogram. 87 kilogram 347 gram. What amount of cement is left with the company? Cement left. How much cement is left? How we have to find? We have to find using the subtraction sign. Now, 5 में से 7 subtract होगा? नहीं होगा. Borrow लेंगे. तो ये क्या बनेगा? 15. और this 9 and this 4. Because borrow कहाँ से गया है? यहाँ से. अब 15 में से 7 सब्ट्रैक्ट किया, हाउ मच लेफ्ट, 8. 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया, हाउ मच लेफ्ट, 5. 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया, 1.
अगेन 5 में से 7 सब्ट्रैक्ट होगा, नहीं होगा, फिर से हम बोरो लेंगे, नाउ इट इज 8, 15, अब 15 में से 7 सब्ट्रैक्ट किया, 8 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 8, 0, 1, हाउ मच सीमेंट इज लेफ्ट, 108 किलोग्राम एंड 158 ग्राम जो सीमेंट है वो अभी भी बची हुई है. क्या निकालना था, व्हाट अमाउंट ऑफ सीमेंट इज लेफ्ट विद कंपनी. तो हम क्या लिखेंगे, सीमेंट सो सीमेंट लेफ्ट विद कंपनी इज 108 किलोग्राम और 158 ग्राम. ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ. व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्या स्टेटमेंट है बेटा फिफ्थ क्वेश्चन की, मिसेज रश्मि बोट 21 लीटर 350 मिलीलीटर ऑफ ऑयल. वन लेडी इज गिवन, हु इज शी, मिसेज रश्मि, एक मिसेज रश्मि है, उसने क्या परचेज किया, ऑयल खरीदा है, शी बोट द ऑयल. हाउ मच ऑयल, 21 लीटर 350 मिलीलीटर. एंड मिसेज गौरी, और एक कौन है, अनदर लेडी कौन है, मिसेज गौरी, एक मिसेज रश्मि है, एक मिसेज गौरी है, शी ऑल्सो बोट द ऑयल. हाउ मच ऑयल, 108 मिलीलीटर ऑफ ऑयल. बोथ परचेज द ऑयल, दोनों ने ऑयल परचेज किया. हु बोट मोर ऑयल एंड बाय हाउ मच, हमें क्या फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में. देखो, हु बोट मोर, मोर मीन्स क्या होता है बेटा, ज़्यादा, कि किसने ज़्यादा ऑयल परचेज किया, एंड और बाय हाउ मच, और कितना ज़्यादा, यानी कि दूसरे पर्सन से, दूसरी लेडी से उसने कितना ज़्यादा ऑयल परचेज किया. तो अगर हमें सिर्फ ये निकालना होता हु बोट मोर ऑयल, तो हम सिर्फ ये देख के बता देते कि विच नंबर इज ग्रेटर. अब रश्मि ने तो लीटर में 21 लीटर है और गौरी का लीटर में 28 लीटर है, तो किसने ज़्यादा परचेज किया है, गौरी ने. हु बोट द मोर ऑयल, गौरी ने. कितना ज़्यादा परचेज किया वो हमें कैसे पता चलेगा, सब्ट्रैक्शन करने से, कि गौरी ने 28 लीटर 108 मिलीलीटर परचेज किया है और रश्मि ने 21 लीटर 350 मिलीलीटर ऑयल परचेज किया है. तो ज़्यादा ऑयल गौरी ने परचेज किया है, कितना ज़्यादा ऑयल परचेज किया है ज़्यादा, वो हमें वी हैव टू डू द सब्ट्रैक्शन. और जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो विच नंबर वी राइट एट फर्स्ट, बिगर नंबर. तो यहाँ पे हमें नेम पहले रश्मि का गिवन है, बट सब्ट्रैक्शन हम गौरी में से करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द गौरी नेम इन द स्टेटमेंट. मिसेज गौरी परचेज ऑयल, मिसेज गौरी, जी ए यू आर आई, मिसेज गौरी परचेज्ड ऑयल. लीटर एंड मिलीलीटर, आफ्टर कंप्लीटिंग द ईच क्वेश्चन लीव द टू थ्री लाइन्स, बिकॉज वन लाइन में आप किलोग्राम, ग्राम, मीटर, सेंटीमीटर, लीटर, मिलीलीटर, लाइक दिस यू हैव टू राइट. वन लाइन में आप कैरी या बोरो के लिए स्पेस छोड़ोगे, देन यू हैव टू स्टार्ट द स्टेटमेंट. सो द गौरी ने कितना परचेज किया, 28 लीटर 108 मिलीलीटर. 28 लीटर, लीटर के नीचे लीटर और मिलीलीटर के नीचे मिलीलीटर. 28 लीटर 108 मिलीलीटर. नेक्स्ट है मिसेज रश्मि, मिसेज रश्मि, आर ए एस एच एम आई, मिसेज रश्मि परचेज्ड ऑयल या बॉट ऑयल, परचेज्ड के प्लेस पे आप बोट भी लिख सकते हो, बोट का मीनिंग भी वही होता है बेटा, बी ओ यू जी एच टी, खरीदा, परचेज भी ऑल्सो खरीदा, बॉट ऑयल. हाउ मच, अब जो मिसेज रश्मि है उसने कितना परचेज किया है, 21 लीटर
21 लीटर 350 मिलीलीटर। नाउ हु बोट मोर ऑयल, किसने ज़्यादा खरीदा था? गौरी ने। और कैसे पता चलेगा कि कितना ज़्यादा खरीदा? सब्ट्रैक्शन से। सो मोर ऑयल बॉट बाय गौरी सब्ट्रैक्शन, जीरो सब्ट्रैक्ट फ्रॉम एट, फाइव सब्ट्रैक्ट फ्रॉम जीरो, नॉट पॉसिबल। टेक द बोरो, जीरो, टेन, टेन में से फाइव सब्ट्रैक्ट किए, फाइव। नाउ जीरो में से थ्री सब्ट्रैक्ट होगा? नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे? बोरो लेंगे। और बोरो किससे जाएगा? एट से। एट क्या बना? सेवन, और जीरो टेन। अब थ्री सब्ट्रैक्ट फ्रॉम टेन, सेवन, वन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सेवन, सिक्स, टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम टू, जीरो। सो मिसेस गौरी बॉट 6 लीटर 758 मिलीलीटर मोर ऑयल। उसने क्या किया? इतना ज़्यादा ऑयल जो है ज़्यादा परचेज किया है। किसने? गौरी ने। किससे ज़्यादा परचेज किया है? रश्मि से। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। मिस्टर सुनील बॉट 7 किलोग्राम 550 ग्राम ऑफ टमेटोज। इतने क्या खरीदे उसने? टमेटोज खरीदे। 12 किलोग्राम 805 ग्राम ऑफ पटेटोज। एक टमेटो खरीदे हैं, एक पटेटोज खरीदे हैं। पटेटोज टमेटोज इतनी क्वांटिटी में खरीदे हैं, पटेटोज इतनी क्वांटिटी में। एंड 10 किलोग्राम 950 ग्राम ऑफ अनियन, और अनियन भी खरीदे हैं। कितनी थिंग्स परचेज किए उसने? 3, टोमेटोज पटेटोज एंड अनियन फॉर अ डिनर पार्टी, एक डिनर पार्टी के लिए। व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ वेजिटेबल्स बॉट बाय हिम? तो उसने जो टोटल वेजिटेबल परचेज किया है, टोमेटो पटेटोज एंड अनियंस, वो कितना वेट में है, कितना वेट है उसका? सो हाउ वी हैव टू राइट द स्टेटमेंट? वेट ऑफ टोमेटोज, वेट ऑफ पटेटोज, वेट ऑफ अनियंस, या टोमेटोज बोट बाय मिस्टर सुनील, या मिस्टर सुनील बोट टोमेटोज, मिस्टर सुनील बोट पोटैटोज, मिस्टर सुनील बोट अनियन। इन द एनी वे यू हैव टू राइट द स्टेटमेंट, किसी भी वे में हम लिख सकते हैं बेटा स्टेटमेंट। ओके, सो सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6, वेट ऑफ टोमेटोज, वेट ऑफ टोमेटोज किलोग्राम एंड ग्राम। जो टोमेटो का वेट है वो कितना है? 7 किलोग्राम 550 ग्राम। वेट ऑफ पोटैटोज, वेट ऑफ पोटैटोज, पोटैटोज कितने खरीदे उसने? 12 किलोग्राम 805 ग्राम। और क्या खरीदा? वेट ऑफ अनियंस, वेट ऑफ अनियन, अनियन का वेट कितना है? 10 किलोग्राम 950 ग्राम। व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ वेजिटेबल? टोटल वेट वट वी हैव टू डू, क्या करोगे बेटा आप? एडिशन, ऐड करोगे, एंड आफ्टर द एडिशन यू हैव टू राइट द आंसर योर सेल्फ। एडिशन आपको करना है इन दिस क्वेश्चन। सो नाउ लेट सी द नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7। द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 7 क्या बेटा? अ कंटेनर ऑफ कैपेसिटी, एक कंटेनर है
ऑफ कैपेसिटी 120 लीटर 500 मिलीलीटर कैपेसिटी वर्ड आ गया, इट मीन्स क्या उसके अंदर कुछ लिक्विड है, कि जो वो कंटेनर है, कैन है या ड्रम है या टैंक है, जो भी कंटेनर है उसके अंदर 120 लीटर 500 मिलीलीटर कोई भी थिंग्स, कोई भी ऑयल वाटर वी हैव टू फिल. अ कंटेनर ऑफ कैपेसिटी 120 लीटर 500 मिलीलीटर कंटेन्स 65 लीटर 825 मिलीलीटर ऑफ ऑयल इन इट. व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन बेटा? स्टेटमेंट, इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? अ कंटेनर ऑफ कैपेसिटी 120 लीटर 500 मिलीलीटर कंटेन्स, कि जिसकी कैपेसिटी, उस कंटेनर की कैपेसिटी कितनी है? 120 लीटर और 500 मिलीलीटर, कि इतना उसके अंदर कोई भी हम लिक्विड थिंग डाल सकते हैं. कंटेन्स, कंटेन्स में उसके अंदर डला हुआ है. अभी फिलहाल कितना है उसके अंदर? 65 लीटर 825 मिलीलीटर ऑफ ऑयल इन इट. उसके अंदर सिर्फ इतना ही फिल किया हुआ है, इट मीन्स वो कंप्लीट फिल नहीं है. हाउ मच मोर ऑयल कैन बी फिल्ड इन इट, तो उसके अंदर हम और कितना ऑयल डाल सकते हैं, हमें ये फाइंड आउट करना है. हमें क्या पता है कि जो कंटेनर है, जो टोटल कैपेसिटी है उस कंटेनर की कितनी है, उसके अंदर हमने ऑयल कितना डाला हुआ है, दैट इज गिवन. और हम उसके अंदर और कितना डाल सकते हैं, क्या करेंगे हम, जो उसकी टोटल कैपेसिटी है उसमें से जितना ऑयल हमने उसके अंदर फिल किया हुआ है वो क्या करेंगे हम, सबट्रैक्ट कर देंगे. ओके तो हम क्या लिखेंगे, टोटल कैपेसिटी ऑफ कंटेनर टोटल कैपेसिटी कितनी है उसकी, लीटर मिलीलीटर, हाउ मच 120 लीटर एंड 500 मिलीलीटर. 120 लीटर और 500 मिलीलीटर हम उसके अंदर ऑयल डाल सकते हैं, बट उसके अंदर ऑयल कितना है, ऑयल फिल इन कंटेनर, कंटेनर में ऑयल कितना फिल किया गया है, 65 लीटर एंड 825 मिलीलीटर. हाउ मच मोर ऑयल कैन, हम उसके अंदर और कितना डालें, इससे आगे यानी कि 65 से 120 तक हमें जाना है. ओके सो मोर ऑयल, मोर ऑयल फिल इन कंटेनर, क्या करोगे, सब्ट्रैक्शन. व्हाट यू विल डू, क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करनी है. जीरो में से फाइव सब्ट्रैक्ट होगा, नहीं होगा, फिर यहां से बोर लोगे, ये भी जीरो है, फिर इससे बोर हो जाएगा, फोर नाइन टेन. नाउ फाइव सब्ट्रैक्ट फ्रॉम टेन, फाइव, टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम नाइन, सेवन, एट सब्ट्रैक्ट फ्रॉम फोर, नॉट पॉसिबल, टेक द बोरो फ्रॉम नेक्स्ट, जीरो, जीरो ने बोरो दिया, जीरो क्या बन गई, जीरो ने यहाँ से लिया ये वन, ये नाइन एंड दिस फोर्टीन, फोर्टीन में से एट सब्ट्रैक्ट किया सिक्स, नाइन में से फाइव सब्ट्रैक्ट किया फोर, फिर वन में से सिक्स सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, फिर बोलो लिया, क्या बन गया, इलेवन, इलेवन में से सिक्स सब्ट्रैक्ट किया फाइव, तो कितना ऑयल और डाल सकते हैं उसके अंदर, 54 लीटर 675 मिली लीटर. क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मच मोर ऑयल कैन बी फिल्ड इन. सो मोर ऑयल, मोर ऑयल कैन बी filled in container so more oil can be filled in container 54 liter 675 milliliter. Okay beta, so today you have to solve the question number 4th, 5th, 6th and 7th in your fair notebook. Okay, thank you.